हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल. सो दिस इज साबिया हियर, एंड ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर आपको लोगों से शेयर करनी थी, इसलिए ये वीडियो बनाई है. मैंने आपको लास्ट वीडियो में ना ये चीज़ पूछी हुई थी आप सभी से, कि जैसा कि आप सभी मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जिस तरीके से हमने SBI क्लर्क की टू डू लिस्ट बनाई थी, आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसी तरीके से हम RRB PO और क्लर्क को एम करते हुए एक टू डू लिस्ट स्टार्ट करें, ठीक है? तो मैंने उस वीडियो में आपसे पूछा हुआ था कि क्या मुझे स्टार्ट करना चाहिए. तो लाइन से आप देखेंगे वहां पे कमेंट्स आए हुए हैं कि हाँ स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कल से या परसों से हम इसे स्टार्ट कर देंगे. आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहिएगा, बिल्कुल रेडी रहिएगा. हो सकता है कल से ही, कल सुबह मैं वीडियो डालूंगी डे वन की, ठीक है? लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है ना, कि इस तरीके से तो आपकी टू डू लिस्ट की सीरीज आती जाएगी, आती रहेगी. फिर उसके बाद आप बोलेंगे कि ये वाला हम नहीं फॉलो कर पाए. अब नेक्स्ट एक महीने बाद आप अचानक से फिर से बोलेंगे कि स्टार्ट करिए. नहीं, बिल्कुल इस बार आपको फोकस्ड रहना है, डेडिकेटेड रहना है. बहुत सारे एस्पायरेंट्स, आप टू डू लिस्ट की मुझे न्यूमरस कमेंट्स ऐसे आते रहते हैं कि हम उसे फॉलो कर रहे हैं और हमें उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है? तो आपको भी बिल्कुल पेशेंस रख के, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके टाइमर जो है, टाइम फ्रेम जो मैंने दिया है, उसके अंदर आप नहीं आ पाएंगे. स्टार्टिंग में मॉक्स में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे. लेकिन हमें बिल्कुल भी अभी फोकस्ड रह के स्टार्टिंग में बिल्कुल एक फ्लो में आने के लिए, मैंने ये टू डू लिस्ट क्यों स्टार्ट की है, क्योंकि बहुत सारे हमारे एस्पायरेंट्स हैं ना जो फ्लो में नहीं आ पा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी निकल के नहीं आ पा रही है एस्पायरेंट्स की. तो हम सबसे फर्स्ट तो हमारा ये होगा ना कि उसमें इतनी सारी चीजें हैं करने को जिससे आप बंद जाएंगे. बिल्कुल आपको अपना टारगेट पता है कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है. तो बिल्कुल इसीलिए है टू डू लिस्ट सीरीज. और धीरे 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 जो जो चीजें मैंने उसमें सारी इनकलकेट की हैं, उससे आपको इम्प्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा. मुझे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर डिस्कस करनी थी. जैसे समझ लीजिए कभी वीडियो जो है आपकी सुबह लेट हो जाता है, जैसे कि 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, इस तरीके से वीडियो आ रहा है, क्योंकि टाइमिंग तो मैं 9 बजे से पहले नहीं रखूंगी, ठीक है? 9 बजे के बाद ही रखूंगी. तो अगर इस तरीके वीडियो लेट हो रहा है आपका, तो आपको सुबह के टाइम पे कुछ चीजें हमेशा कर लेनी होंगी जो हम लोग डिस्कस कर लेंगे. क्या? करंट अफेयर्स और द हिंदू एडिटोरियल. ये चीजें तो बदलेंगी नहीं, ये आपको सुबह के पार्ट में रखना है और आपको इसको फिनिश कर लेना है. और जबकि हम RRB की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कंप्यूटर भी पढ़ेंगे. तो कल मैं आपको कंप्यूटर की भी पूरी सोर्सेस बता दूंगी, आपको कहाँ से क्या पढ़ना है. तो बोल्ट जो ऑलिव बोर्ड का बोल्ट का PDF है, अगर आपके पास है तो उसको भी रेडी रखिएगा. नहीं है तो टेलीग्राम का लिंक है यहाँ पर दे दूंगी, आपको वहां जुड़ जाइएगा और वहां पर ये PDF आपको अवेल करा दी जाएगी. और PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है? तो चेक कर लीजिएगा. इसके साथ रेडी रहिएगा. ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो कि हमको सुबह सुबह के टाइम पे कर ही लेनी है, ताकि अगर वीडियो थोड़ी सी 9 बजे 10 बजे भी आ रही है ना, तो उसके बाद हमारा क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश का पार्ट स्टार्ट हो, ठीक है? दूसरी बात ये है कि मॉक टेस्ट, एवरी सिंगल डे आपको मॉक टेस्ट अपने पास रेडी रखने हैं. हर दिन मैं आपको बोलूंगी कि आज मॉक टेस्ट सॉल्व करना है. यू मेक श्योर दैट आपके पास मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है? कोई भी इस टाइप के लाइव मॉक टेस्ट आते हैं, मेगा स्कॉलरशिप चैलेंज वगैरह आता है, ये सब हमें कभी मिस नहीं करना होता है. आज भी, अभी भी जब आप पढ़ रहे होंगे, ये वीडियो अपलोड होगी, तो उसके बाद भी जो आपका टाइम होगा, अगर आपने आज मॉक नहीं दिया होगा, तो इस मॉक को जरूर दे लीजिएगा. डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, ये आज के लिए, कल के लिए भी वैलिड है. तो आज दे लीजिए या कल दे लीजिए, देख लीजिए जैसा भी. ये फ्री मॉक्स वगैरह हमको कभी मिस नहीं करना है. तो स्कॉलरशिप चैलेंज है, अच्छे से टेस्ट को हमको अटेम्प्ट करना है. प्री के लेवल का एग्जाम है ये आपका, मतलब जिस पे बेस्ड हमको प्रिपरेशन करनी है, उसी के लेवल का एग्जाम है ये, आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा. डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर रजिस्टर करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा. अपने मार्क्स मुझसे शेयर करना मत भूलिएगा और कल के लिए रेडी रहिएगा. अब आपकी टू डू लिस्ट स्टार्ट होने वाली है, ठीक है? टू डू लिस्ट के साथ साथ जो भी हमको एक्स्ट्रा में जो भी चीजें लगेंगी, उस पर मैं वीडियोस बनाऊंगी ही, लेकिन इधर साइड बाय साइड आपकी टू डू लिस्ट चलती रहेगी, ठीक है? सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर एस्पायरेंट्स. आई होप कि अगर आपने अभी SBI वाली टू डू लिस्ट नहीं फॉलो की होगी, तो यहां से आप स्टार्ट करेंगे. टू डू लिस्ट अभी भी आप 2 पार्ट्स में रहेगी, फर्स्ट फॉर बिगिनर्स एंड दूसरी जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं. ओके, दैट वाज ऑल फॉर टुडे. दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ. सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.